गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ MRY स्टडी। जैसे कि आपको पता है कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग चैप्टर चल रहा था और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो से पहले आपको वो वीडियो देखना इम्पॉर्टेंट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। बेसिकली आज हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो हमारे एग्रीगेट्स हैं, मतलब कि जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में जो हमारे मदद करते हैं कैलकुलेशन करने में, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे हम आज। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या करना है आज हमें सबसे पहले ये दो टॉपिक समझने हैं, इसके बाद कुछ और टॉपिक हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज आती है कि इकोनॉमिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर रेसिडेंट क्या होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई ये इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं है, डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी एक ही चीज है। अगर आपको क्वेश्चन में इकोनॉमिक टेरिटरी लिख के मिलता है तो वही डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। अब ये सब पढ़ना इतना जरूरी क्यों है, ये सब पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप GDP कैलकुलेट करेंगे, अगर आप GNP कैलकुलेट करेंगे तो वहां आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वहां प्रॉब्लम क्रिएट ना हो तो इससे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट विद विच पर्संस गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेटेड फ्रीली। इकोनॉमिक टेरिटरी ज्योग्राफिकल टेरिटरी है। आपने ज्योग्राफी में टेरिटरीज तो पढ़ी होंगी, यूनियन टेरिटरी जो हमारी कंट्री की होती है, वैसे ही हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर जो इकोनॉमी होती है उसमें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं कि ये हमारी एक कंट्री है, ये फॉर एग्जाम्पल हमने मान ली ये हमारी कंट्री है इंडिया और ये हमारी एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ऑस्ट्रेलिया। अब भाई यहां पर जितनी भी फॉर एग्जाम्पल एयरपोर्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है यहां पर एयरपोर्ट्स हैं जो किसके हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, और यहां पर हमारे पास क्या है, ठीक है यहां पर भी एयरपोर्ट्स हैं जो किसके हैं, जो इंडिया के हैं, यहां पर ऑस्ट्रेलियन है जो इंडिया में है और यहां पर इंडियन है जो ऑस्ट्रेलिया में है। अब भाई ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है और ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। बात कहने का मतलब समझना आप कि जो भी चीज, जो भी प्रोडक्शन जो एयरपोर्ट करेगा, जो भी फ्लाइट्स यहां पर निकलेंगी, जो सर्विसेज देंगी, उनका जितना भी आउटपुट निकलेगा, मतलब कि जितनी भी इनकम होगी वो किसके अंडर जाएगी, वो इंडिया के पास जाएगी। कहने का मतलब समझे आप कि जो इकोनॉमिक टेरिटरी है, जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट विद विच पर्संस गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेटेड फ्रीली, मतलब कि इस कंट्री में, इस इकोनॉमिक टेरिटरी में वो सारी चीजें सर्कुलेट हो रही हैं, इसीलिए उसकी जो मतलब कि उसका जो इनकम है वो किसके पास जाएगी, वो हमारे इंडिया के पास जाएगी, और जो ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियन एयरपोर्ट है उसकी कहाँ जाएगी, वो ऑस्ट्रेलिया के पास जाएगी। इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं यूज, हम करते हैं GDP और NDP यूज करते हैं, मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है। अब बात आती है रेसिडेंट की, तो रेसिडेंट क्या है, अ रेसिडेंट वेदर अ पर्सन और अ इंस्टीट्यूट is one whose center of economic interest lies in the economic territory of a country in which he lives. अब for example ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास Australian airport है जो India में है और यहाँ पर हमारे पास Indian airport है जो Australia में है। अब भाई हम थोड़ी देर के लिए India के airport को, India में जो airport setup है उसको भूल जाते हैं, हम क्या करते हैं Australia वाले airport पे आते हैं। Australia में airport जो है, ऑस्ट्रेलिया में जो एयरपोर्ट है जो इंडिया का नहीं है, जो खुद ऑस्ट्रेलिया का है, जो खुद ऑस्ट्रेलिया ने सेटअप किया है, वहां पर कुछ इंडियंस काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहे हैं, वहां पर कुछ इंडियंस काम कर रहे हैं, ये हमारे इंडियंस, ठीक है, और ये क्या है, ये इंडिया के सिटीजन्स हैं, इंडिया के सिटीजन्स हैं और कुछ हमारे। अब हम इंडिया की तरफ आते हैं, इंडिया में हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा इंडियन एयरपोर्ट है, ठीक है इंडियन एयरपोर्ट है, इंडियन एयरपोर्ट में कुछ हमारे इंडियंस काम कर रहे हैं,
कौन काम कर रहे हैं, इंडियन काम कर रहे हैं। अब बात यहां पर यह आती है वेदर अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूट, कि चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो एक एयरपोर्ट हो, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, इज वन हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा कि उसका इंटरेस्ट किस पर हो, उस जगह पर जिस पर वो है, सेटअप लाइज इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन विच ही लिव्स। इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन विच ही लिव्स, अगर वो इंडिया का पर्सन है, इंडिया में रह रहा है, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ रहेगा, इंडिया पर रहेगा। अगर वो दूसरे देश में रह रहा है तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ रहेगा, उस देश में रहेगा, उस इकोनॉमिक टेरिटरी पर रहेगा, लेकिन वो उस केस में इंडिया का रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। ही विल बी अ सिटीजन बट ही विल नॉट बी अ रेसिडेंट, वो उस केस में कहलाएगा नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, NRI, ठीक है। लेकिन जो पर्सन हमारे इंडिया में भी रह रहा है और इंडिया का सिटीजन है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, मतलब कि उस इकोनॉमिक टेरिटरी में है, तो वो कहलाएगा हमारा रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अब आप रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी का आप मतलब समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ग्रॉस एंड नेट का कॉन्सेप्ट। ग्रॉस एंड नेट का कॉन्सेप्ट जो है, मैंने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक जब मैं पढ़ा रहा था उसमें भी आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस बताया था। उसका बीच का डिफरेंस क्या होता है, उसका बीच का डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन जो हमारा जो बीच का जो डिफरेंस होता है वही यहाँ पर वर्क करता है, क्योंकि हमने ये देखा था कि जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो टोटल इनकम के इक्वल होता है, इसीलिए डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर वर्क करेगा। देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है GDP, जिसको हम बोलते हैं GNP, वो हमारा डेप्रिसिएशन से जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारा आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। आगे जब हम सवाल करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे इसके, तब आपको पता चलेगा कि कैसे करा जाता है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब होता है हमारा, GDP जिसको कहते हैं, उसको हम जब डेप्रिसिएशन से जब माइनस करते हैं तो हमारा निकल के आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसके बीच में आप समझिए कि जो ग्रॉस वाला पार्ट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, एक सर्कल ले लिया मैंने, ठीक है, ये एक, ठीक है, सर्कल ले लिया, सर्कल में फॉर एग्जाम्पल इतना जो पार्ट है वो है हमारा डेप्रिसिएशन और इतना जो पार्ट है हमारा वो डेप्रिसिएशन नहीं है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन को मिला के वो हो जाएगा ग्रॉस। लेकिन अगर मैं इसमें से डेप्रिसिएशन हटा देता हूँ, मैं सिर्फ इतना पार्ट ले लेता हूँ, तो ये आ जाता है हमारा नेट, और नेट प्लस डेप्रिसिएशन ग्रॉस होता है, ठीक है। अगला आता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस क्या होता है, इट इंक्लूड सब्सिडीज विच टेंड टू लोअर इट। क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि GDP एट मार्केट प्राइस, GNP एट मार्केट प्राइस, तब आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो MP होता है या मार्केट प्राइस, वो होता है हमारा सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड कर, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज इंक्लूड होते हैं, उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस, उसमें हमें जोड़ना पड़ता है। क्वेश्चन में आएगा कि GDP MP निकालिए आप, तो उसमें आपको पूरा इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आता है GDP एट फैक्टर कॉस्ट, तब आप क्या करेंगे, तब आप उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को सब्सिडी से माइनस कर देंगे और फिर प्लस कर देंगे किससे, नेशनल इनकम से। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं और जो सब्सिडी है वो इंक्लूड नहीं होते हैं फैक्टर कॉस्ट पर, जब हम कोई भी निकालते हैं GDP या GNP वो इंक्लूड नहीं होते हैं, इसीलिए जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो सब्सिडी माइनस कर दिए जाते हैं, और इन्हीं दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो उसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं हम, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जब हम मार्केट प्राइस, मतलब कि नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस से जब हम माइनस करते हैं, ठीक है, तो उससे निकलता है हमारा नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको समझा दिया मैंने। इसके बाद आता है फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट। कभी कभी क्वेश्चन में ट्रांसफर पेमेंट्स भी दे दी जाती हैं, बच्चे उनको भी इंक्लूड कर देते हैं, उसमें फर्क होता है। फैक्टर पेमेंट या इनकम क्या होता है, इट इज रिसीव्ड बाय द फैक्टर प्रोडक्शन। फैक्टर प्रोडक्शन जो हमारे लगे, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल, लेबर, लैंड, उनको जो मिलता है फैक्टर ऑफ इनकम, उसको बोलते हैं हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलने वाली इनकम, फैक्टर इनकम। इट इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का जब हम कैलकुलेशन करते हैं वो इंक्लूड करी जाती है। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट इनकम,
ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम क्या होती है? वो इनकम जो इंक्लूड नहीं की जाती है नेशनल इनकम एस्टिमेशन या कैलकुलेशन में। क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि ये वो पेमेंट होती है जो कि प्रोडक्शन में मदद नहीं करती है, मतलब कि ये वो पेमेंट होती है जिनको हम यूनिलैटरल पेमेंट कहते हैं। जो कोई भी सेक्टर जो होता है हमारे ये प्रोडक्शन यूनिट में, वो दूसरे सेक्टर को क्या देता है, वो ग्रांट देता है या चैरिटी देता है, या हम ये कह सकते हैं कि वो उसको कुछ ऐसे ही उसका मन चला तो उसने जाके दे दिया ग्रांट, कोई 1 लाख का चेक दे दिया, 50,000 का चेक दे दिया, तो वो क्या है, वो प्रोडक्शन में नहीं गिना जाता। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग होती है उसमें ट्रांसफर पेमेंट जो होती है, मतलब किसी ने खुशी खुशी में किसी को दे दिया, ठीक है, बहुत से लोग करते हैं, तो वो चीजें है ना वो ट्रांसफर पेमेंट में नहीं गिनी जाती। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ कॉन्सेप्ट जो हमारे एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम के समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे एग्रीगेट्स हैं वो क्या क्या हैं, उनसे कैसे कैलकुलेशन की जाती है, चेंजेस कैसे किए जाते हैं सारे एग्रीगेट्स में। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे, तो उस वीडियो को आप बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा, उसमें मैं पूरी अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, और उसके बाद वाली जो वीडियो आएगी वो तो धमाल मचा देगी, उसमें हम कैलकुलेशन करेंगे, मैं आपको कैलकुलेशन करने का तरीका बताऊंगा। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।